गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अभी हम निकल रहे हैं मासी के घर, शादी है भैया की, मासी के लड़के की शादी है, तो उसी के लिए हम घर से अभी निकल रहे हैं। तो गाइस तैयार हो चुके हैं, बस फाइनली हम निकलने जा रहे थे घर से, तो अभी हम रेडी होकर घर के वहाँ के लिए निकल रहे हैं। पहले वहाँ घर जाएंगे मासी के यहाँ, फिर वहाँ से बारात जाना है। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, तो यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हुआ था फोर व्हीलर से बाइक का, तो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, देख सकते हैं किस तरीके से। भीड़ लगी हुई है, एक्सीडेंट जिसका हुआ ठीक है भैया, वही फट रहे वही देखो टक बहुत ही अजीब एक्सीडेंट था गाइस, इसको हम दिखा नहीं सकते, इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। वो आ रहे थे सामने से और ये राइट साइड से टर्न ले रहे थे, तो उसमें टक्कर हुई है शायद, बहुत ही अजीब है। तुरंत उनकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए अब क्या ही बताएं। और ये फोर व्हीलर वाले सब भाग चुके हैं यहाँ से, बाइक इनकी फोर व्हीलर बाइक ये है, फोर व्हीलर इनकी खड़ी है, बाकी हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। हम जा रहे थे शादी में तो ऐसा हुआ, बाकी अभी में ही रुकेंगे जब तक यहाँ पे पुलिस नहीं आ जाती है। ऐसे लोग लापरवाही करते हैं, लोगों की जान की कीमत ही नहीं रह गई है, किस तरीके से लोग चल रहे हैं। ये लखनऊ की गाड़ी है कोई, तभी हम पुलिस को इन्फॉर्म किए हैं, पुलिस यहाँ पे आ रही है, ज़रूरी है, पुलिस आ रही है। जो भाई साहब हैं उनकी डेथ हो चुकी है, क्या ही बताएं, इतना दर्दनाक हादसा। और ये एक्सीडेंट आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हुआ है ये। अब इसमें अभी हम तो पहुँचे हैं यहाँ पे, तो फिर देख रहे हैं, एक्सीडेंट रास्ते में ही हुआ है। टांडा और अकबरपुर का जो ये रोड है, इसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे सामने धागा मिले, उसी के सामने जस्ट एक्सीडेंट हुआ है। तो वो यहाँ पे आ चुके हैं 100 नंबर वाले, बाकी पुलिस वाले आ चुके हैं। अब यहाँ पे अभी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ के हैं, अभी हम नंबर चेक कर रहे हैं गाड़ी का और चीज़ों को, बाकी उसको हम दिखाएंगे नहीं आपको कि कितनी दर्दनाक कंडीशन है उनकी। डायरेक्टली वो टकराए हैं, बाइक सामने से लड़ी है, फिर उसके बाद वो शीशे पे आप देख ही रहे हैं, जो उनका कपड़ा है वहाँ पे जाके फंसा हुआ है, तो किस कंडीशन में होंगे आप देख ही सकते हैं। और फोर व्हीलर की स्पीड लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, लोग बता रहे हैं कि बहुत ही तेज गाड़ी थी। हेलो, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, पुलिस वाले भी आ चुके हैं, क्योंकि बॉडी को लेके जा रहे हैं, हम दिखा नहीं सकते उस चीज को, कितना भयानक एक्सीडेंट है। सो गाइस, अब क्या ही कर सकते हैं, बुरा लग रहा है। तो अब यही कहना चाहेंगे कि गाड़ी आप लोग सेफली चलाइए, ऐसे चीज़ें अजीब लगती हैं, लोगों का जीवन कितना कीमती होता है। रात होने को है और शाम के टाइम में एक्सीडेंट हुआ है, अभी हम जस्ट पहुंचे उसके 10 मिनट पहले हुआ है और उनकी डेथ हो चुकी है। हमने कॉल किया तो एम्बुलेंस भी आ चुकी है, पुलिस वाले भी आए हैं। अभी हम थोड़ा आगे आए हैं, यहाँ पे शांति है थोड़ी सी, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी गाड़ी सेफली चलाइए, थोड़ा
स्पीड कम करके चलाइए। बुरा लगता है ये सब चीज़ें देख के, जीवन कितना कीमती है इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को जानना बहुत बड़ी बात है। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाइक को बहुत ही स्लोली चलाइए, क्योंकि एक ही बार ये लाइफ मिलने वाली है, दोबारा हम यहाँ जीने नहीं आएंगे। और अभी हमने जो देखा बहुत ही बुरा लग रहा है, अब क्या ही बता सकते हैं उसके बारे में कि हम क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। शादी में हमने देखी बहुत ही अजीब थी, और उस चीज़ को हम आपको दिखा नहीं सकते थे क्योंकि जो कंडीशन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन आप लोगों से बस फाइनली एक रिक्वेस्ट है कि बाइक को या फिर किसी भी चीज़ को, फोर व्हीलर ही है तो फिर उसको आप धीरे चलाइए। किसी का जीवन कितना कीमती होता है, ये अगर कोई फैमिली मेंबर कुछ भी किसी के साथ ऐसा होता है तो इस चीज़ को आप समझते होंगे, तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो बाकी हमने आपको जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई वो चीज़ उसको दिखाया, और बहुत ही बुरा लग रहा है। हम क्या ही बताएं, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उनकी डेथ हो चुकी है, डॉक्टर्स तो चुकी है क्योंकि सर में इतनी चोटें आई थी, सर फट चुका था पूरी तरह से। गाड़ी पे वो जो सामने से टक्कर हुई है उस पे वो गाड़ी पे जाके गिरे थे, और उनके कपड़े को हमने आपको दिखाया कि कहाँ पे जाके फंसे हैं। तो अब कोई नहीं, चलते हैं, अब क्या ही बताएं, शाम का टाइम है। बाकी मेरा फेस आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन मेरी बातें आप तक जा रही होंगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बाइक या फिर फोर व्हीलर किसी भी चीज़ से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको आप इतना कोशिश करिए कि आप धीरे चलिए, क्योंकि लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, और लाइफ में हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें यहाँ रहना होगा। सो गाइस, जैसा कि अभी हमने आपको एक्सीडेंट की जो भी चीज़ें दिखाई वहाँ पे, तो वहाँ पे हम शादी में जाना था, हम गए नहीं। आज बहुत सारी शादियाँ होंगी लाइफ में, लेकिन ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इतना अजीब लगा कि फिर वहाँ से हम वापस चले आए, घर आ चुके हैं। तो अब क्या ही बोल सकते हैं उस पर्सन के लिए, गलती किसी की भी हो, जान कितनी कीमती होती है ये आप समझ सकते हैं। तो मेरा मन ही नहीं हुआ वहाँ से शादी में कि हम जाए, डेथ हो चुकी थी तो बाकी की फॉर्मेलिटी जो लोग कर रहे थे, तो हमको तो जाना था लेकिन हम गए नहीं, रिटर्न चले आए, घर पे आ चुके हैं। हिम्मत ही नहीं हुई कि हम शादी में जा सकें, तो मन बहुत दुखी है गाइस।